और देख रहे कोरोना काल है तो मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी है। आप लोग मास्क पहनकर ही रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे बेस्ट। तो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं तो छत्तीसगढ़, तो आप घर में रहिए और वॉच स्टेट ब्लॉगर छत्तीसगढ़ राइडर। तो हम आज आए हैं सारंगढ़ के काली माता मंदिर में, और ये जो काली माता मंदिर है वो सारंगढ़ की कुल देवी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के सामने जैसे ही ये रोड बना हुआ है, बरसात में जैसे ही बारिश तेज होती है तो पहाड़ से जो पानी होता है वो पानी पहाड़ के किनारे से होते हुए यहाँ से आती है, और जब तेज़ होती है तो इस रोड के ऊपर से इस पार गिरती है, जो आर पार करने में थोड़ी परेशानी जाती है गाँव के लोगों को। और इस साइड देख सकते हैं मंदिर है, जो अभी कोरोना काल में पूजा पाठ थोड़ा स्थगित किया गया है और नीति नियम के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। और बारिश हुई है हल्की सी और धूप भी निकली है, तो थोड़ी उमस तगड़ी है भाई। तो आगे इस मंदिर की कहानी हमारे वॉइस आर्टिस्ट द्वारा सुनिए और देखिए सारंगढ़ के इस मंदिर का नज़रिया उनकी नज़रों से। जय जोहार संगवारी हो, हमारे इस चैनल स्टेट ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो आज हम आपको सारंगढ़ की काली माता मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, तो आइए हम आप सबको लेकर चलते हैं काली माता समलेश्वरी देवी की पावन भूमि सारंगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थापित रायगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सारंगढ़ जो काली माता और समलेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है, यह एक अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर 600 वर्ष पुराना है। बताया जाता है इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग किया गया है, इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के सीमेंट का उपयोग नहीं लाया गया। यह मंदिर घोघरा नाला के तट पर स्थित है, जो कि अधिक बारिश होने पर डूब जाता है, और कहा जाता है कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है और श्रद्धालुओं को अपने श्रद्धा के कारण पानी के बहाव को पार करके मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, भैरव बाबा, काली माता, समलेश्वरी माता और भोलेनाथ जी की प्रतिमा विद्यमान है। सर्वप्रथम मंदिर बनने के पूर्व में एक साधु महाराज जी हुआ करते थे, जो यहाँ साधना करते थे। फिर बाद में सारंगढ़ क्षेत्र के राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर काली माता और समलेश्वरी माता जी की पूजा की जाती है, साथ ही 700 से 800 लगभग ज्योति कलश जलाए जाते हैं। इस पर्व पर सारंगढ़ क्षेत्र के निवासी बड़ी श्रद्धा से मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि जो निसंतान होते हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी होती है। ऐसे ही और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चढ़ाओ तो ला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ाओ तो।